हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथ आरडीएस का एक्सरसाइज 20.1 आज हमको पढ़ना है। कल मैंने चैप्टर 20 के बारे में बताया हुआ था, जो मेंशन फर्स्ट है, जिसमें पैरामीटर और एरिया ट्रायंगल स्क्वायर का दिया हुआ है, उसी पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, जैसे दिया है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हिच, इसका एरिया जो है स्क्वायर मीटर में निकालना है, जो कि ये दिया हुआ किसका है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि पहला मान लीजिए, पहला हमारा दिया है लेंथ इक्वल टू, पहला यानी एल इक्वल टू दिया है 5.5 मीटर, और जो है यहाँ बी है यानी ब्रेथ, बी इक्वल टू जो दिया है 2.4 मीटर। ठीक, 2.4 मीटर, और वो निकालना क्या है, एरिया रेक्टेंगल। ठीक, तो फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L into B। फार्मूला होता है L into B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L into B, जहां L का वैल्यू दिया है 5.5 मीटर इंटू B का वैल्यू दिया है 2.4 मीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई, ठीक, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.20 एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दसवें बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसको हम 13.2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार पहला में को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है फाइंड दी एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर हुई स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर दिया है, इसकी साइड दी हुई है, और इसका जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना है। दूसरा का पहला जो दिया है वो साइड इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है, साइड इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर दिया है, 2.6 सेंटीमीटर निकालना क्या हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो पता है हम कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, और प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है साइड इनटू साइड, जिसमें साइड दिया है 2.6 सेंटीमीटर इनटू 2.6 सेंटीमीटर, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं और 6.76 स्क्वायर सेंटीमीटर, एस क्यू मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका फाइंड दी स्क्वायर मीटर इन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इतना डेसी मीटर। ठीक, तीसरा दिया फाइंड दी एरिया, फाइंड दी स्क्वायर मीटर दी एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू इतना मीटर, यानी तीसरा जो दिया है कि साइड इज इक्वल टू 16.5 डेसी मीटर। ठीक, अब इसका जो एरिया निकालना है वो निकालना किसमें है, स्क्वायर मीटर में निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एरिया पर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो जैसे 16.5 DAM डेकामीटर इंटू डेसीमीटर इंटू 16.5 डेसीमीटर। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 272.25 DAM एन स्क्वायर डेकामीटर स्क्वायर। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, स्क्वायर किसमें, हमको इसको चेंज किसमें करना है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे कि वी
नो दैट वन डीएम इक्वल टू 100 मीटर। ठीक, तो यहाँ 1 dm² हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। इसमें इतना काम इतना इक्वल टू लिखेंगे क्या 272.2 dam² है तो इनटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 m² का तो हो जाएगा 27,225 m², ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार आगे देखिए चौथा भी है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर ऊंच साइड, इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का साइड दिया हुआ है, फिर फाइंड दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन हेक्टेयर ऊंच साइड, इसका भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और इसको अंत में चेंज करना है हमको किस में, हेक्टेयर में। ठीक, जैसा कि मैं 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ हम लोग को, 5 नंबर जिसकी लेंथ दिया है कितना, लेंथ दिया है 125 और ब्रेथ दिया है 400, लेंथ दिया है 125 मीटर, ब्रेथ दिया है 400 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है एल इंटू बी, एल का वैल्यू कितना है 125 m, इंटू बी का वैल्यू 400 m, इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 00 यहाँ हो गया और 45 20 का 0 कैरी 2, 42 8 2, 10 का 0 कैरी 1, 41 4 1 5, ये हो जाएगा 50,000 m². ठीक, अब इसको चेंज करना है किसमें, हेक्टेयर में। वी नो दैट 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 m, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा 50,000 by 10,000, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार पांचवा पूरा सॉल्व किया जाएगा, छवां को भी दिखा रहा है ए डिस्मिशन इतना मीटर इतना ऑन दी वॉल इतना, तो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल दी पेंटिंग रुपए इतना, दोनों के एरिया निकालेंगे, पहले इसका दूर का निकालेंगे फिर वॉल का निकालेंगे, दोनों को ऐड करके उसमें क्या करेंगे 2 रुपये फीट पर 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। थैंक यू।